ठीक है मुंबई, एक बार जोर से गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। घुसकुटे साहब, मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द बोल के आज के इवेंट की शुरुआत करें प्लीज। इज द मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बात हम कर रहे थे अबाउट बीइंग इको फ्रेंडली एंड बीइंग गुड टू नेचर एंड गुड टू द एंटायर एनवायरनमेंट। फर्स्टली क्वेश्चन, डू यू हैव अ माइक? ओके, आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअली आपको पता है अनुष्का और वरुण की एक नई मूवी आ रही है। आई कांट हियर यू, व्हाट्स द नेम ऑफ द मूवी? सुई धागा। अच्छा, सो फर्स्ट आई एम गोना आस्क द क्वेश्चन टू द लेडी। अगर हम बात करें ममता की, शी वी हैव सीन यू इन वेरी वेरी डिफरेंट रोल्स। आपके अवतार हमने अलग अलग देखे हैं। इसमें यू प्लेड अ प्रॉपर सिंपलटन। हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वॉज इट फॉर यू टू अडेप्ट दैट रोल? गुड आफ्टरनून एवरी वन, हाई हेलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ह्यूज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर सर यू and the Maharashtra Police Pollution Control Board, and also to you sir, because this initiative I think is something very close to both mine and Varun's heart and is to every Indian's heart also. ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोग जो कर रहे हैं, इको फ्रेंडली गणेश। हम लोग ने इसके बारे में काफ़ी बार बात करी है। आई एम श्योर हम सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली फील करते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड हमारा ये एनवायरमेंट है, हम ही को उसका देख रेख करनी है जिससे आगे जाके हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको उससे मदद मिले। तो ऑफकोर्स गणपति सब लोग धूमधाम से मनाएं और बहुत मज़े से मनाएं, बट केयरफुली भी मनाएं एंड एनवायरनमेंट को ध्यान रख के मनाएं, तो आई थिंक सब लोगों के लिए अच्छा होगा। सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस, वी आर हियर ऑल्सो टू टॉक अबाउट सुई धागा, बट आई थिंक वरुण टॉक्स द बेस्ट अबाउट सुई धागा। सो वरुण विल एनलाइटन अस। बोलो वरुण, बोलो। पहले तो कसा है तुम्ही? बरा है। ये कॉज जो है एक्चुअली बहुत बड़ा कॉज है हम सबके लिए। तो हम लोग फिल्म प्रमोशंस के लिए बहुत जगह जाते हैं, बट ये जो कॉज है ये किसी भी फिल्म से बड़ी है, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी है। जब मैं, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे, मैं खाली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एंड वी वुड रीड ऑल अबाउट हाउ वी डैमेज आर इन्वायरमेंट ऑल द टाइम। एंड आज आके यहाँ पे आई फेल्ट वेरी गुड, आई फेल्ट लाइक आई एम पार्ट ऑफ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री ऑल्सो। हमारे जो संजय सर है PRO से, आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क इन्होंने जो 10 साल से किया है, देयर इज अ ट्री गणपति ही जस्ट टोल्ड मी, जो सीड्स से बनाते हैं और इमर्शन के पहले वो लोग उस पर पानी डालते हैं, एक छोटा पेड़ भी उगता है उससे, सो इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो हम लोग एक तरीके से। दे मेड सो मेनी गणपतिज, बट जब चेंज आना पड़ता है हमारे सोसाइटी में, जब परिवर्तन आता है वो सोसाइटी से आता है, मतलब हम सब लोगों से आता है, जो हम लोग सब यहाँ है, यू नो। तो मनोरंजन होना चाहिए, तो जितने भी मम्मी डैडी अंकल आंटी बच्चे सब सुन रहे हैं, एक चीज़ खाली एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, बस हम लोग को इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। मौज मस्ती, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू हैव फन, आई लव हैविंग फन। मेरा जो घर है वो जू बीच के सामने, सो नोबडी अंडरस्टैंड्स गणपति बेटर देन मी। मेरे हर पिक्चर में गणपति होता है, चाहे वो मैं तेरा हीरो हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो जुड़वा 2 हो, आई लव बप्पा। हर साल मैं गणपति बहुत फेस्टिविटी से बनाता हूँ, और कई बार मैंने भी, मतलब जो नॉर्मल आइडल्स है वो मैंने भी इमर्स किया है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू मदर नेचर फॉर दैट। बट नाउ, अब जब मुझे नॉलेज है, हर साल इको फ्रेंडली गणपति सेलिब्रेट करते हम लोग, और हम सबको करना चाहिए। तो क्या ये साल आप लोग इको फ्रेंडली गणपति अपनाएंगे? इट्स ओनली गुड फॉर द एनवायरनमेंट, भारत के लिए अच्छा होगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा। तो सब लोग मेरे साथ कहिए, सब बढ़िया है, थैंक यू सो मच। अभी सुई धागा की बात करें तो, मतलब मैं जो पहन रहा हूँ ये भी सुई धागा से ही बना हुआ है, हम सब जो पहन रहे हैं, तो फिल्म की प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। जो कपड़े, जो वस्त्र आप सब पहन रहे हैं उससे फिल्म की प्रमोशन हो रही है, क्योंकि आपने जो पहना है वो सुई धागा से ही बना है। नहीं, आप, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर कैरेक्टर, मौजी का जो कैरेक्टर है, और ये भी पता चला था आपके ऑनलाइन वीडियो से दैट यू वेंट टू अ बार्बर स्टोर, लाइक अ
वेरी लोकल बाबर हरद बाबर सर जू में ही है वो और बाल कटवाने गए एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे सर बस आई थिंक मौजी का जो कैरेक्टर है बहुत ही हसमुख बहुत ही खुश कैरेक्टर है बिल्कुल कॉमन मैन का कैरेक्टर है वो अपने फैमिली के लिए एक हीरो बनना चाहता है बट जो जिंदगी के दिक्कतें हैं वो उसे रोक देती है उसकी वजह से बट बहुत कोशिश करता है एंड देन इवेंचुअली द फिल्म इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप देयर इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी है कॉमेडी बहुत है फिल्म में बहुत कुछ है मौजी किसी भी हद तक जा सकता है अपनी फैमिली को खुश करने के लिए लोगों को खुश करने के लिए तो इस पिक्चर में मैं पहली बार एक कुत्ता भी बनाऊँ जेन्यूनली मैंने एक कुत्ता भी बनाऊँ और बहुत बार जब रात को मैं जब जाता हूँ शूटिंग से तो मैंने बहुत सारे कुत्तों को ऑब्जर्व किया है एंड आई सी हाउ देयर बॉडी लैंग्वेज दे बार्क बिहाइंड द कार तो मैंने ट्राई किया है कि वो किरदार मौजी का बहुत ही ईमानदारी से करूँ मैं क्यों पाजी सब ठीक लग रहा है आप उधर से टेप कर रहे हो सब चंगा लग रहा है पाजी इज हैप्पी So I am going to ask you a question, Anushka. Since Varun spoke about entrepreneurship, and you're an entrepreneur yourself, so how does it feel to be a part of a movie that is that promotes self-reliance and homeland entrepreneurship? I think इतनी amazing बात है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पे इतने सारे लोगों के हमें देखा है जो experiences हुए हैं जितने सारे startups शुरू हुए हैं इंडिया में. So I think entrepreneurship is a big deal over here and it's celebrated also in a huge way. बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे हमने देखी है हुई हैं वो मेड इन इंडिया हुई है यहीं से निकल के आई है एंड आई थिंक हमारी फिल्म उसी को सेलिब्रेट कर रही है हमारे कैरेक्टर्स के पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी बट टैलेंट बहुत ज़्यादा था और इनका जो स्ट्रगल है जो जिस स्ट्रगल को उन्होंने ओवरकम किया उस मुकाम पर पहुँचने के लिए वो ट्रूली एक ह्यूमन स्टोरी है और हर इंसान इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि स्ट्रगल तो सबने देखा है सबने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रगल देखा है और जब आप इनकी कहानी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार हमारी फैमिली में भी जब लाइक एक बंदा स्ट्रगल कर रहा था तो फैमिली में कैसे यू नो क्या क्या इश्यूज हो जाते थे ये सब कुछ सब लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे सब लोग इनके पेरेंट्स को देखेंगे अरे हाँ मेरी मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं अरे यार मेरी वाइफ भी ऐसी है लाइक सबको ऐसी फीलिंग आएगी जब इस पिक्चर को देखेंगे सो आई थिंक ये फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है एंड खूब मज़ेदार फिल्म है इमोशनल भी है लेकिन साथ में मज़ा लाइक हंसी मजाक भी बहुत है और एक मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म का सो आई थिंक काफी एंजॉयबल और वेल पैकेज्ड फिल्म है बट आई एम गोना टेक दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग इको फ्रेंडली एंड सेलिब्रेटिंग इको फ्रेंडली गणेशा वी हैव मिस्टर संजय महाडिक ही इज फ्रॉम पेण इन महाराष्ट्र एंड ही इज एन इको फ्रेंडली एक्टिविस्ट हु इज गोना बी हियर बट बिफोर दैट सर इफ आई कुड आस्क यू टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर एसोसिएशन विद Everything. Well, I am from the Times, and I am very happy that Times Green Ganesha is turning 10. I think there should be a big applause from all of you that Times Green Ganesha is turning 10. And I appreciate the two icons sitting on the stage. They are icons on the screen and off the screens also. I can assure you their social awareness, and they have come here to appreciate Times Green Ganesha. And I wish everyone should appreciate Green Ganesha initiative and they should appreciate their own efforts to contribute toward this noble cause. Thank you very much. Thank you very much. And sir, Mr. Panwalkar, we would request you to kindly present a token of appreciation to Mr. Sanjay Mahadik from Pain. And he has made sure that zyada se zyada jaghon pe aur gharon par eco-friendly Ganpati aaye. Looks absolutely fantastic. Can we request the Times Group team to join us on stage for a photograph? Real quick. Actually, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ. Sorry. प्रेस के जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे काफ़ी प्रमोशंस रहते हैं एक्टर के तौर पे बट पहली बार मैंने देखा ये कि मैं एक ऐसे अभिनेता के साथ काम कर रहा हूँ इनको बहुत बुरी तरह चोट लगी है पीठ पे बट ये किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहती है इट वॉज प्रीटी बैड हर इंजरी बट ये रोज़ आ रही है शी इज़ रियली पार्ट टेकिंग सो बिग हैंड फॉर अनुष्का शर्मा फॉर दैट